हाय, सो ये क्लैरिफिकेशन वीडियो है। देखिए, मेरे कुछ दूसरे वीडियोस को देख के जिसमें मैं कॉलेज विजिट्स के बारे में बताता हूँ, तो कई लोगों ने कमेंट किया, तो मैंने सोचा कि एक एक कमेंट का जवाब देने के बदले वीडियो बना देता हूँ। कोई कहता है सर आप एक ही जगह खड़ो के देते हो, किसी ने ये तक भी कहा कि सर आप एक्चुअली में गए थे या सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हो, क्या आप तो कहीं भी खड़ो सकते हो। कभी कभार तो आपकी वीडियो में कॉलेज का बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा। प्लस तो मैं आपको ना मैं कुछ अपने बारे में क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, खासकर जो वीडियो देख रहे हैं। देखिए, हम बहुत सारा काम करते हैं एजुकेशन काउंसलिंग, और एमबीपीएस इंडिया मुझे दिल से प्यारा है, और मैं कई बार आप लोग कहते हो कि काम मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ, आप लोगों से डील मैं खुद करता हूँ, आपसे डिसीशंस मैं खुद करता हूँ, और मेरे पास एक कुछ टीम मेंबर्स हैं जो सिर्फ चॉइस फिलिंग के टाइम में हेल्प करते हैं, वो भी तब जब चॉइस फिलिंग बहुत बड़ी है, वो ऑल इंडिया कोटा की हो गई, जहाँ पर इतने सारे कॉलेजेस हैं, जहाँ चार पांच कॉलेज भरने में खुद ही भर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में चेक तो मुझे करना ही है। सिमिलरली ना, आई डोंट हैव अ वेरी लार्ज वीडियो एडिटिंग टीम, एक्चुअली आई डोंट हैव। तो आपने नोट किया होगा मेरे जितने वीडियोज होते हैं ये सब के सब सिंगल शॉट होते हैं। जी हाँ, मैं फोन खुद ही सामने रखता हूँ, सिंगल शॉट में जो भी बोलना है बोलता हूँ, वीडियो को बंद करता हूँ और सीधा चढ़ा देता हूँ। सो दीज आर एब्सोल्यूटली अनएडिटेड वीडियोज। जी हाँ, बाय गॉड ग्रेस आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, तो मैं एक सांस में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ही बोल सकता हूँ, लेकिन जितने मेरे वीडियोज होते हैं ना वो सब अनएडिटेड होते हैं। आई डोंट कैरी एडिटर, मतलब मेरे पास कोई वीडियो एडिटर मेरी टीम में है ही नहीं, और शायद मैं इस चीज को उतना महत्व नहीं देता एडिटिंग को। मेरा ये रहता है कि असली नॉलेज आपको दे दूं, और वो एडिटिंग और दिखावे में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता। ये एज ए ह्यूमन मेरा नेचर है कि मैं काम में ध्यान देता हूँ बजाय दिखावे में। जैसे जो लोग मेरे ऑफिस आ चुके हैं, वो ऑफिस भी आपको थोड़ा सिंपल दिखेगा, कोई ऐसे हाई फाई नहीं है, क्योंकि शायद ये मेरी नेचर है। कई लोग मुझे कहते भी हैं कि सर थोड़ा ऑफिस हाई फाई कर लो तो आप डबल फीस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि कई लोग ऑफिस का इंटीरियर भी देखते हैं, बट मैं क्या करूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मेरा जो खुद का ध्यान है ना, वो ऑफिस के दिखावे या वीडियो एडिटिंग से ज्यादा कंटेंट और काम पे और आपको अच्छे से देने में लग जाता है, बजाय कि मैं कहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ या वो कितना शानदार या प्लश ऑफिस है। तो सिमिलरली जैसे मैंने कहा, मैं कोई एडिटर यूज नहीं करता। देखिए, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, क्योंकि मैं सारा काम मैंने बोला आपके लिए करता हूँ, प्लस हम नॉर्मल अदर एजुकेशन में भी करियर प्लानिंग में बहुत काम करते हैं। तो मेरे पास एक वीडियो बनाने के लिए 5-5 घंटे का टाइम नहीं होता। मैं जरूर जाता हूँ, स्पेशली नहीं जाता, लेट मी टेल यू। जैसे मैंने कहा, मुझे रोहतक काम था, मैं पीजीएमएस रोहतक चला गया, मुझे करनाल काम था या हिमाचल काम था, मैं आईजीएमसी शिमला चला गया, मुझे एक दिन हापुड़ काम था, मैं यूपी के तीनों कॉलेज चला गया। और मैं प्लान अपने शेड्यूल ऐसे करता हूँ कि ये नहीं कि 5-5 मिनट, मैं एक कॉलेज में आधे से पौना घंटा 1 घंटा रुकता हूँ। एक और आपको टिप दे देता हूँ, मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूँ, जैसे मैंने कहा कि यार पेरेंट बन के जाओगे तो फिर आपको कोई वीडियो नहीं बनाने देगा, आप मीडिया वाला बन के जाओगे तो बिल्कुल ही बनाने देगा, राइट? तो होता क्या है, आई ऑलवेज गो एज एन इंडिविजुअल, मैं घूमता हूँ। हॉस्पिटल में तो जाने में कोई मना ही है नहीं, तो कभी कभी मुझसे गेट पे पूछता है ना क्यों जाना है, मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल तो कॉलेज के साथ होता ही है। वहां जाके फिर गाड़ी में अभी लगा लेता हूँ, और बिल्कुल मैं पॉकेट में हाथ डाल के 15 मिनट घूमता हूँ, ओपीडीज को, पेशेंट्स को देखता हूँ, कोई प्यून टाइप का इंसान मिलता है उससे बातें करता हूँ, फिर कैंटीन जरूर जाता हूँ। देखिए, एक मेरा फॉर्मूला है, कैंटीन वाले से जरूर कुछ ऑर्डर कर लूंगा 50-100 रुपए का, उससे बातें मारूंगा, उन बातों में मैं उससे ये निकालता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन रहता है, कितने लोग आते हैं, हॉस्पिटल में कितनी चहल पहल है, कॉलेज में कितनी चहल पहल है, और उससे बहुत आइडिया लगता है कि डेली पेशेंट इनफ्लो कितना है। सिमिलरली कॉलेज के आसपास पेड पार्किंग है कि नहीं है, कॉलेज के ठीक बाहर कोई 3-4 ठेले वाले, देखिए मैंने जब आदेश कुरुक्षेत्र आ गया वो कॉलेज हाईवे से नीचे जाके है, उस रोड पे जा वही जाएगा जिसे आदेश जाना है, क्योंकि वरना आप दिल्ली से चंडीगढ़, अम्बाला से दिल्ली आ रहे हैं, यू विल नेवर गो टू दैट कॉलेज। वो कॉलेज बिल्कुल रोड के ऊपर नहीं है, जैसे झज्जर वाला है या एनसी सराना है। नीचे जाकर के बावजूद वहां पर अगर एक प्रॉपर चाय वाला, 3-4 फ्रूट वाले खड़े हैं, मतलब 6-7 ठेल वाले खड़े थे। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि जो हमारी पूरी दुकानदारी है वो आदेश में आने वाले पेशेंट्स और उनके मरीजों पर निर्भर है। आदेश कुरुक्षेत्र की बात करो तो आपको आइडिया लग जाता है कितने लोग आते हैं, राइट? सिमिलरली आप किसी और कॉलेज में गए जहां आसपास 100 मीटर तक कोई चाय वाला भी नहीं है, तो आपको पता चलता है कि कोई नहीं आता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो कैंटीन गिव्स ए वेरी गुड फ्लेवर। कॉलेज में घूम के हाँ बेसिक इंफ्रा पता चलता है, हॉस्टल्स में घुसना आसान नहीं होता, तो मैं हॉस्टल्स के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं लोगों से बात करके, कोई स्टूडेंट मिल जाता है मुझे कैंटीन में बैठा, मैं वैसे पूछ लेता हूँ कि छोटे भाई बहन का एडमिशन कराना है तो बताओ कैसा कॉलेज है। और सच बताऊं, मुंह पे कह रहा हूँ, 70% प्राइवेट कॉलेज तो इंडिया में बिलो एवरेज ही है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ, तो बच्चे आपको बुरा ही करते नजर आएंगे,
कोई मेरे पास आता है हमेशा कहता हूँ यूपी के 30 में से जाने लायक तो 15 ही है, तो मतलब बाकी 15 तो खराब ही गिरे जाएंगे ना, या हरियाणा के 5 में से जाने लायक 3 हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन बच्चों से आप बात करोगे वो बुराई ही करेंगे, और हमको मालूम है, हम तो उन बुराइयों में अच्छाई ढूंढ रहे हैं, उन खराब में मैं बेटर ढूंढ रहा हूँ। जो मैं हमेशा कहता हूँ ये कॉलेज नॉर्थ इंडिया के प्राइवेट में अच्छे हैं, ये ओवरऑल अच्छे नहीं है। तो जिनको शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ उसको अगर आप एक न्यूट्रल दृष्टि से देखेंगे, अगर आप खुद एक बड़े बड़े डॉक्टर हैं, क्लेम डॉक्टर हैं, और आप एम्स से मौलाना आजाद से कंपेयर कर रहे हो, फिर तो आप डिसअपॉइंट हो गए होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा ना, हम तो 300 नंबर लाए हैं, 400 नंबर लाए हैं, तो एम्स मौलाना आजाद, SMS जयपुर, KKMU लखनऊ, ये तो नहीं मिल रहे ना, GMC पटियाला या PGMS रोहतक। तो जो मिल रहे हैं उनमें कौन से बेस्ट हैं, वो मेरा काम है, वो मेरी जॉब है आपको बताना, और आपको बता दिया मेरा ये तरीका है, क्योंकि परमिशंस लेना, प्रॉपर जाना, अगर मैं उनसे पूछ के करूंगा। सिमिलरली कई बार आप देखोगे कॉलेज के बाहर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज इतना छोटा है कि कॉलेज के अंदर मुझे कोना ही नहीं मिला, तो जहां पर भी मैं अगर अपना फोन निकालूंगा तो एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी नजर मेरे ऊपर आ रही है। तो कृष्णा मोहन यूपी अगर मैं गया तो कॉलेज का कैंपस ऐसा था कि अगर मैं अपना वीडियो फोन खोलूं और सेल्फी स्टिक पकड़ूं तो मुझे 4 लोग टोक दें, तो मुझे बाहर खड़ो के बनाना पड़ा। आदेश कुरुक्षेत्र इतना बड़ा था कि मैं अंदर बना पाया। GS मेडिकल कॉलेज भी ऐसा था कि कोई कोना नहीं मिले। मैं 4-5 नाम लेके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। MMU मुलाना वाला इतना बड़ा है, जितने मर्जी वीडियो बना लो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। MMU सोलन में भी अगर कॉलेज के अंदर हो आपको कोना मिल जाता है, क्योंकि वो रिजॉल्ट है। आदेश तो मैंने बोला बहुत ही बड़ा कैंपस था। NC सराना वैसे मरा हुआ कॉलेज है, लेकिन गेट में घुसके ना बहुत बड़ा पार्क है, तो आप कोई कोना पकड़ लो कि आप बना सकते हो। तो इस तरह कोशिश मैं करता हूँ कि अंदर खड़ो के बनाऊँ, थोड़ा सा कॉलेज की झलक आपको दिखा दूँ फोन को टेढ़ा मेढ़ा करके, लेकिन जहाँ पर वो मौका ही नहीं मिल रहा, और गार्ड से परमिशन लेना, कॉलेज से परमिशन लेना, मैंने कहा ना इतना समय नहीं है, 1 घंटा मैं लगाता हूँ कॉलेज के अंदर, अंदर बाहर सब मिला के। मेरा अपना स्टाइल है टू जज क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। तो आप समझ गए कि मैं कैसे देखता हूँ कॉलेज, जो मेरे कॉलेज के वीडियोज हैं आप समझ गए कि मैं कुछ एडिटिंग नहीं करता, इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट्स में लेके आपको दिखा नहीं पाता कि हॉस्टल कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, क्योंकि अगर मैं वो ले भी लूँ शॉर्ट्स तो पहली बात तो मैं एडिटर नहीं हूँ, और दूसरा मैंने अपनी जजमेंट कर ली, और हॉस्टल दिखने में कैसा है उससे ज़्यादा जरूरी है कि पढ़ाई कैसे कर रहे हो आप और खाना पीना कैसा मिल रहा है। तो कैंटीन से भी एक आइडिया लग जाता है कि खाने की क्वालिटी क्या है। कभी कभार मैं भी घूमते हुए चला जाता हूँ, अक्सर नहीं जा पाता हूँ, बच्चों से पूछ लेता हूँ। तो जस्ट टू क्लैरिफाई टू एवरीबडी कि जब मैं MBBS इंडिया में आपके लिए काम कर रहा हूँ तो किस तरीके से कर रहा हूँ, मेरे जो कॉलेज विजिट्स के वीडियोस हैं वो किस लॉजिक पे आते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ हम प्रीमियम काउंसलिंग में मेहनत के पैसे लेते हैं, कुछ और लोग हमेशा मुझे कहते हैं ब्रोशर भेज दो, मैं ये कहता हूँ ब्रोशर है बिल्कुल तैयार, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स ब्रोशर भेजते हैं। देखिए सच्चाई की बात यह है कि अगर आपको आप आराम से डीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी ना, और आपके पास पैसे हैं देने को, तो मेरे को आपके लिए बहुत ज़्यादा घंटे खर्च नहीं कर रहे। तो सिर्फ डीम यूनिवर्सिटी अगर आपको लेनी है और कोई काउंसलिंग नहीं करानी है, तो मैं हैप्पीली 30,000 रुपये में हम काउंसलिंग पैकेज देते हैं। सेम इज़ फॉर गवर्नमेंट सीट, जहाँ आप कहते हो 2-3-4 स्टेट को मैनेज करना है 50,000 हो जाती है, जहाँ पर आप कहते हो 6-7 जगह काउंसलिंग करनी है जो कि नंबर 200 के आसपास है, वहाँ फीस 75,000 से 1,00,000 हो जाती है। NRI ऑप्शन है तो 1,00,000 हो जाती है, कभी कभार 1,25,000 हो जाती है, और नंबर कम है तो मैं बहुत रीजनेबल लॉजिकल फीस लेता हूँ। फिक्स नहीं है कि लॉटरी लग गई मेरी, आपके लिए 15 मिनट काम किया और आपसे 1,50,000 रुपये चार्ज कर लिए, वो मेरा ऐसे जैसे मैं बोला नेचर नहीं है, जैसे दिखावा नेचर नहीं है, वैसे अगर काम नहीं किया ना तो वो पैसे लेना भी मेरा नेचर नहीं है, मतलब खुद ही मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हम कभी भी पैकेज पहले नहीं बोलते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि 2,500-5,000 की मीटिंग कर लो, 2,500 रुपये फॉर 20 मिनट, 5,000 फॉर 45 मिनट। और कुछ लोग कहते हैं सर इस पैसे के बिना, और मैं कहता हूँ प्राइवेट कॉलेज का सोच रहे हो और 2,500 रुपये देने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो कल को 50,000-1,00,000 रुपये भी क्या दोगे। और हमेशा ऑफर करते हैं कि मीटिंग के बाद अगर मजा ना आए ना तो आज भी 2,500 रुपये वापस ले लेना। यू टॉक टू माई स्टूडेंट, लॉट ऑफ पीपल कॉल अस, आज तक किसी ने वो 2,500 रुपये वापस नहीं मांगे ना, दैट मीन जो मैंने पैसे मांगे वो जस्टिफाइड थे। लेकिन हाँ, इससे बहुत बड़ा फिल्टर हो जाता है, क्योंकि समय कम है, मेरे को वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा है आजकल। कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं सर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाकी कंप्यूटर्स तो बहुत वीडियोस बनाते हैं, जैसा मैंने कहा ऐसे मैं आपके लिए काम करना शुरू कर चुका हूँ तो वीडियोस कहाँ से बनाऊँ। तो ये वजह है वीडियोस कम बनाने की। जो भी काम की चीज़ होती है वो अपने क्लाइंट्स को जो हम एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें भेज देते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि हम काम क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं और वीडियोज़ तो थोड़े बहुत हैं आप सबकी सेवा करने के लिए। ठीक है, सो ये था मेरा छोटा सा क्लैरिफिकेशन कह लीजिए,
ताकि फिर होप मुझे दोबारा वीडियो ना बनाना पड़े। और फिर भी जो सुन रहे हैं, देखिए काफी स्टेट से वीडियो आपको पिछले साल के मिल जाएंगे, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। तो इंडिया की काउंसलिंग कैसे होती है, डीम स्टेट प्राइवेट में क्या फर्क है, ऑफकोर्स इस साल की जो कट ऑफ रहेंगी, जो नई चीजें रहेंगी, वो नया बनाऊंगा। लेकिन मेरा स्टाइल ये है, शायद तमिलनाडु का आपको प्रॉपर वीडियो लास्ट ईयर में मिल जाएगा कि जो मैंने प्रॉपर बनाया था कि तमिलनाडु की काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है, तो आप वो भी देख लोगे ना, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको मेरी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग पसंद है तो इस साल का वीडियो मैं नहीं भी बना पा रहा, क्योंकि पहले वो 3-4 घंटे ब्रोशर पढ़ने पड़ते हैं और फिर उसको समराइज करना पड़ता है ना 10 मिनट में। पढ़ के समझ में तो आ गया, लेकिन आपके मतलब की चीज आपको मैं 10 मिनट में बता दूं वो भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 9643362320 पे कॉल कीजिए। बाय, धन्यवाद।